बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अब जो पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान टेस्ट हुआ जिसमें अहमद अली ने डेब्यू पे 100 किया और बाबर आजम ने भी 100 कर दिया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या ख्याल है जी अहमद अली की बैटिंग के बारे में? अबद अली ने आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और अबद अली दुनिया का वाहिद बैट्समैन बन गया जिसने वनडे डेब्यू में भी सेंचुरी की है और टेस्ट डेब्यू में भी सेंचुरी की है। और तकरीबन क्रिकेट की 150 साल तारीख में ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं आया जिसने कि दोनों फॉर्मेट में डेब्यू पर सेंचुरी की तो हो। फिर क्रिकेट की तारीख में ये भी कभी नहीं हुआ कि जिसने डेब्यू में दो दफा सेंचुरी की उसके आगे एक माइक और बाबर आजम के आगे 40 माइक। नहीं, वो तो जाहिर बात है, बाबर आजम वो एक डेवलप हो चुका हुआ प्लेयर, वो बड़ा प्लेयर है। और बाबर आजम को भी चलो बहती यार गंगा में हाथ डेवलप, धोने का मौका मिल यार गया है। डेवलप हो गया वो बात ठीक है, लेकिन क्या जिसने जिसका कारनामा है उनकी इज्जत करो कि तू तो जिन्नू मर्जी चौके के रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं इरशाद है। अफरीदी ने फिर उनके पास से बुला लेना, नहीं, वो हो सकता है कोई और वो बहुत बात। ज्यादा बड़ा डेवलप हो चुका हुआ है यार। नहीं, वो एक माइक की बात कोई नहीं है, वो कोई बात नहीं, एक माइक की खैर है। बाबर आजम ने भी सेंचुरी की थी और बाबर आजम की ये होम ग्राउंड पर पहली इनिंग थी और पहली सेंचुरी है, तो उसको भी बनता तो फिर था। अबद अली को बुलाते ही ना। नहीं यार देखे देखे वो आप देखे ज्यादती कर रहे हो, इक्वल इक्वालिटी होनी नहीं, चाहिए। क्वालिटी नहीं है। अबद अली ने बहुत अच्छा खेला है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो भी अच्छी बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे करुण नायर ने 300 किया था इंडिया की, वो याद होगा इंग्लैंड वाली सीरीज में, लेकिन करुण नायर का उसके बाद नाम नहीं बना। तो लेकिन विराट कोहली था उसमें, उस मैच में रोहित शर्मा था और भी रोहित चेतेश्वर पुजारा था। तो देखा जाता है कि कौन सा मतलब प्लेयर जो है वो परमानेंट मेंबर है। पता नहीं अगले मैच में अब अहमद अली को बाहर ना निकाल दें। देखिए लाहौर का लड़का था, कराची वाले जुल्म कर रहे थे, अब वो गए हाँ, हैं ये तो बात है कि अहमद अली पिछले 10 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था और तकरीबन 104-105 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है और बेचारे को मौका नहीं था मिल मैं रहा। 2 सीजन उसने अच्छा बेहतरीन बहुत परफॉर्मेंस अच्छा की। परफॉर्म कर रहा था और तकरीबन, लेकिन ये है कि वो राशिद लतीफ़ साहब इसको बड़ा प्रेज करते थे और पिछले तकरीबन 2 साल से वो कह रहे थे कि इसको मौका दें दें दें। और लास्ट ईयर जब उसको UAE में मौका मिला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उसने वहाँ पर भी डेब्यू पर सेंचुरी कर दिया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब दूसरा टेस्ट है वो कौन जीतेगा? दूसरा टेस्ट भी मेरा ख्याल है वो ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि कराची की विकेट है और कराची में जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था वो 2009 में, अगर आपको याद हो, वो यूनस खान वाला जो जिसमें यूनस खान ने 313 किए थे और वो एक श्रीलंका का क्या नाम है समरावीरा, उसने शायद 250 किया था उसको, फिर हमने बाद में गोली मार दी थी, याद नहीं है नहीं ना? उसको नहीं मारी, उसको लेकिन भी उस लगी थी नहीं याद है? कट शट हुई थी नहीं, गोली की। उसको भी लगी थी और पारना भी था ना, और एक उनका विकेट कीपर था जो जिसका नाम वो जयवर्धने जैसा था, वो जयवर्धने का दस भाई साल में क्रिकेट भाई शुरू हुई है तो आप बिल्कुल गोलियों की बातें कर रहे हैं। इन तीन लड़कों को लगी थी गोली, नहीं एक बिल्कुल अंपायर भी था एक वो अंपायर भी, एहसन रजा। ऐसा खैर वो समरा भी रहा, तो भाई वाकई अच्छा खेला था, वो टूर ही अच्छा खेला था और उसने मेरा लाहौर में भी डबल सेंचुरी स्कोर की थी। सही है। तो क्या ख्याल है कि अब जो न्यूजीलैंड के बारे में आप क्या कहेंगे? न्यूजीलैंड देखें जी, न्यूजीलैंड का कोई मुकाबला नहीं है इस मैच में हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन हाँ एक चीज़ अच्छी की है उन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने 19 आउट किए हैं और हमने 2 टेस्ट मैचों में 13 आउट किए थे। तो अगले सो देखिए पता क्या लेकिन बात है, ये है कि इस उन्होंने बार 2 बारियों में तकरीबन कोई 315 स्कोर किया है और हमने तकरीबन एक बारी में कोई 320-325 कर लिया था। नहीं मेरे ख्याल से ना इस मैच में बोल्ट नहीं था, हाँ बोल्ट के ना होने से अभी उनको नुकसान बोल्ट हुआ नहीं था और एक बॉलर वो और शॉर्ट भी हो गया था, और वो फर्गोसन जो था वो इंजर्ड हो गया था, इस वजह से भी उनको वो स्ट्रगल करी। लेकिन वो हेजलवुड भी तो इंजर्ड हो गया था, लेकिन वो फिर भी खेले हैं। नहीं अगर मैं मेरी ये ख्याल है कि अगर बोल्ट होता तो मैं भी इतना स्कोर ही नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें वो लेब्यूशन इस वक्त अपनी लाइफ की पीक फॉर्म में चल रहा है और वार्नर भी है फॉर्म में, तो ऑस्ट्रेलिया ने तो स्कोर करना ही करना था। बात यह है कि वो न्यूजीलैंड को स्कोर करना चाहिए था, उधर से सिर्फ रॉस टेलर चला बस। मिल टॉम लैथम भी अच्छा खेल रहा है और उसमें, नहीं, 20-30 स्कोर हेनरी तो नहीं निकलस भी ना, नहीं वैसे टोटल उसकी टीम ने टोटल 150 स्कोर किया दोनों पारियों नहीं में। इससे इस टेस्ट से पहले उसकी फॉर्म लगी हुई हाँ थी। टॉम टॉम लैथम लैथम वो 2018 का मेरा हेलो टॉप स्कोरर 2019 का टॉप स्कोरर था। हाँ ठीक है, तो ये पूरे साल उसकी अच्छी अच्छी, परफॉर्मेंस हाँ लगी वो और हेनरी वाटलिंग, निकलस बीजे वॉटलिंग बड़ा बीजे अच्छा खेल रहे। वाटलिंग ने 200 मारा था इंग्लैंड को। तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें मे भी न्यूजीलैंड बेहतर परफॉर्म करे। हाँ पाकिस्तान से अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है, लेकिन इस टेस्ट मैच में तो वो बेचारे यासिर शाह का नहीं मुकाबला कर सके। हमारा यासिर शाह बहुत अच्छा खेला है ले न्यूजीलैंड जी की इस बैटिंग लाइन से। आखिर पे हम बात कर लेते हैं जी 2020 पे वापस चलते हैं, विराट कोहली और ये जो इनका मैच हुए हैं वो कैसे रहे आपके वेस्ट इंडीज और वेस्ट इंडिया के? इंडीज का वो शुक्र है एक मैच जीत गया जो सेकंड T20 हुआ और उन्होंने 170-75 जो करना था चेज कर लिया,
लेकिन वो जो मजा आया ना वो मैचेस देखने में, उनमें वो केजरिक विलियम का जो उसमें विराट कोहली को आउट करके जो चुप करने का इशारा कराया ना वो अच्छा था। और जो पहले T20 में विराट कोहली ने जो बुक साए बुक पे वो नेम लिखे थे वो भी अच्छा साइन था। लेकिन तीसरे मैच में जो विराट कोहली ने बैटिंग की है ना वो वाकई एक बेस्ट इनिंग थी आउटस्टैंडिंग T20 ठीक हो गया। आपको लगता है कि जो जो वनडे चल रहे हैं इसमें वेस्ट इंडीज क्या पोजीशन पे होगी? वेस्ट इंडीज व्हाइट वॉश होगा और कुछ तुक्का लग गया मुझे याद पड़ता है। ये वेस्ट इंडीज को तो हर साल ही बुला लेते हैं क्या करें, वो हाँ भी मैं हमारा हम भी बुला लें। हमें भी बुलाना चाहिए। देखें अब होम सीजन अब होम क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है ना, तो अब देखें हमारे लड़के ने पहले मैचों में ही रिकॉर्ड शुरू कर दिए हैं, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। खाली ये नहीं कि चले इंडिविजुअल टीम के लिए ऐसे रिकॉर्ड बने हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने शुरू हो गए हैं। तो होम सीजन होने का बड़ा फायदा होता है और पाकिस्तान में भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनेंगे। तो ये है कि 3-0 है वेस्ट इंडीज को। अगर एक वो मुझे याद पड़ता है कि एक 2018 में या पिछले साल जब ये आए थे तो एक मैच इन्होंने टाई कर लिया था वेस्ट इंडीज ने, कर तो लिया। ऐसा कोई सीजन सीन बन गया। वो जो हेटमायर है निकलस पूरन है उनमें से अगर कोई एक आधा चल जाता है तो टाई कर सकते हैं, शॉक कर देते हैं इस तरह। वो T20 मैचेस में भी तो हालांकि कोई मुकाबला बनता नहीं था, लेकिन एक आधा मैच अच्छा खेल के तो ये जीत जाते हैं। चलें T20 में आप विराट कोहली और बाबर के बारे में क्या सोचते हैं? दोनों में से कौन बेहतर प्लेयर है? विराट कोहली बहुत बहुत बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि वो मसलन किसी भी सिचुएशन में हो ना, किसी भी सिचुएशन में उसकी एबिलिटी है कि वो मैच ना फिनिश करेगा। लेकिन बाबर ये है कि वो ज़रा थोड़ा सा ना स्लो है, थोड़ा सा स्लो है, इम्प्रूव करेगा। अभी बाबर उस मुकाबले पे नहीं है, विराट कोहली बहुत इम्प्रूव कर गया है, उसने बहुत रिकॉर्ड्स बना दिए हैं और हर कंडीशन में और हर बॉलर के खिलाफ रन कर लिए हुए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि बाबर में थोड़ा एबिलिटी टाइम है? लगेगा लेकिन बाबर उसको कम्पीट कर रहा है, ये तो उसको भी पता है। तो फवाद आलम के बारे में क्या करेंगे? ज्यादा शुरू फवाद आलम को बेचारे कराची का का लड़का, कराची का क्रच, लड़का, कराची का एक लड़का। याबद अली तो लाहौर का था, इसके साथ भी तो 10 साल से ज्यादा हो रही थी। नहीं, आप फवाद आलम के बारे में बात करें, सारी दुनिया हाँ फवाद आलम की बात करती है, फवाद कराची आलम का वाकई, लड़का। हाँ पूरी दुनिया बात करती है। वो उसकी रीज़न ये है कि बेचारे ने 3 टेस्ट मैच ही खेले थे और उसमें भी उसके तकरीबन कुछ 200 रन थे, कोई 40-50 के करीब एवरेज है। तो उसके बाद बेचारे को ऐसे ही बिला वजह ही नहीं, टीम से बिला बाहर वजह कर नहीं, दिया। वो सरफराज ने बड़ी बड़ी मोहब्बत की, कहा जी मैं कराची का, बाकी कोई कराची का नहीं होगा, सारे निकाल देंगे। हाँ सरफराज ने बहुत सारे प्लेयर्स को नए मौके दिए हैं जिनमें ये आबिद अली भी उनमें से एक है। आपका क्या ख्याल है कि जो इन्होंने रैली निकाली थी सरफराज को किकआउट करने पर टेस्ट टीम में, वो दोबारा निकलेगी वनडे टीम में किकआउट होने पर? वो अब निकलनी चाहिए इसके लिए फवाद आलम के लिए, कि फवाद आलम को टीम में 11 साइड में जगह दी जाए। एक आधा मैच खिला दिए हाँ थे, मुश्किल है क्योंकि हारिस ये टेस्ट मैच में बारी मिली नहीं उसको, और वो जो अगला टेस्ट है वो खेल अगला लेगा। टेस्ट में वो खेल जाएगा और कराची की बिल्कुल फट्टा विकेट होनी है उसमें, उसने कोई लगा देना है, कोई 70 भी लगा दिया तो उसका जो अगले आने वाले बांग्लादेश वाले टेस्ट मैचेज हैं उसमें जगह पक्की है उसकी। नहीं मेरा नहीं ख्याल कि फटा विकेट बनाएंगे, ये अगले टेस्ट मैच में अच्छी विकेट बनाएंगे। उम्मीद है कि कोई और अच्छी बॉलिंग में कोई स्पिन चेंज ट्रैक चाहते बना हैं? दे, मैं तो कहता हूँ बॉलिंग में कोई चेंज चाहते हैं? बॉलिंग में अब्बास नहीं, मुझे लग रहा कि अगला टेस्ट मैच के लिए अब्बास को बिठा दें और वो यासिर शाह को खिलाएं लाजमी। आपको लगता है कि नसीम शाह और और ये अगर दूसरा बॉलर भी बिठाना पड़े ना तो फिर उसको शिनवारी को बिठा के तो वो काश्यप भट्टी को खिला लें, अगर काशिप भट्टी को चांस दो है? स्पिनर खिला लें। कराची की विकेट में 2 स्पिनर चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे। ये वो एक आधा बॉलर उधर इंजर्ड हो जाना, जिस तरह की उधर विकेट होती है और उधर 5 दिन मैच पूरा होना है। चले बस वो लग देखते हैं वो क्या होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।